अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है GIC। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि GIC क्या है। GIC है गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। और जब भी हम अपना स्टडी वीज़ा SDS स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई करते हैं तो उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू ओपन अ GIC अकाउंट इन कैनेडा। कैनेडा के किसी एक अकाउंट में आपको GIC का ओपन करवाना है। उसके अंदर क्या है कि आपको कनाडा के बैंक में $10,000 डिपॉज़िट करवाने पड़ेंगे और वो आप एज अ श्योरिटी होता है कि अगर आप यहाँ पर जॉब नहीं भी करते एक साल तक तो आपको वो $10,000 स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में बैंक देता रहता है ताकि आप अपने एक्सपेंसेस मीट कर सको। और फिर यहाँ पे मुख्तलिफ बैंक्स हैं जो ये सारा GIC का प्रोसेस करते हैं। स्कॉशिया बैंक है, CIBC बैंक है, ICICI बैंक है। तो हर बैंक का थोड़ा पॉलिसी और क्राइटेरिया थोड़ा चेंज है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब भी GIC अकाउंट ओपन करवाओ तो ट्राई के आप जिस एरिया में स्टडी करने जा रहे हो उस एरिया में जो ब्रांच अवेलेबल है वहाँ पे करवाओ। क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये ऐसा होता है कि आप मतलब एक प्रोविंस में स्टडी करने जा रहे हो लेकिन आप GIC किसी ऐसे बैंक की ओपन कराते हो जिसकी ब्रांच वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है तो वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो GIC ओपन करा अकाउंट ओपन कराने से पहले ट्राई करो कि जिस एरिया में आप मूव कर रहे हो वहाँ पे उस बैंक की ब्रांच अवेलेबल हो जिसमें आप GIC अकाउंट ओपन करवा रहे हो। तो हर बैंक के थ्रू GIC कराने के कुछ प्रोस एंड कॉन्स भी हैं। जैसे अगर आप CIBC बैंक से कराते हो तो उनका प्रोसेसिंग टाइम फास्ट है, आपको अपना GIC सर्टिफिकेट कुछ दिनों में मैक्सिमम 3 to 4 days में मिल जाएगा। लेकिन स्कॉशिया बैंक इज़ टाइम टेकिंग और स्कॉशिया बैंक $200 की प्रोसेसिंग फ़ी भी चार्ज करता है बट CIBC नहीं चार्ज करता। और ICICI बैंक की ब्रांचेस थोड़ी लिमिटेड हैं सो ऑलवेज चेक के जिस एरिया में आप जाओ वहाँ पे उसकी ब्रांच अवेलेबल हो। और इसी तरह से जो है CIBC बैंक वो कैशबैक्स देता है। जब भी आप उनके कार्ड के थ्रू शॉपिंग करते हो तो दे गिव यू कैशबैक्स लाइक 2% 0.5% ऑन डिफरेंट थिंग्स। शॉपिंग पे, ग्रॉसरीज पे 2% है एंड फ्यूल एंड ऑल दैट। और जो स्कॉशिया बैंक है उनके भी मतलब उनका एक सीन कार्ड है, जब भी आप शॉपिंग करते हैं उनके कार्ड के थ्रू तो आपके कुछ पॉइंट्स इकट्ठे होते हैं जो आप पॉइंट्स डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हो। और कुछ चीज़ें हैं जो जब आप GIC करवा रहे हो तो उनको जहन में रखना ज़रूरी है कि आप अपनी जिस कंट्री से GIC अमाउंट कनाडा में सेंड कर रहे हो उस बैंक में आपने जो अपना होम एड्रेस दिया है और जो आपने कनाडा में GIC ओपन करते वक्त अपना एड्रेस दिया है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। एड्रेस के अंदर एड्रेस की इंफॉर्मेशन डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, वरना मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है कि आप यहाँ से जब अमाउंट उनको भेजते हो तो वो अमाउंट वापस आ जाती है ड्यू टू दीज डिफरेंसेस। तो हमेशा कोशिश करो कि जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ के बैंक में दी है लाइक इंडिया, पाकिस्तान या जहाँ से भी आप GIC करा रहे हो तो जो आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है अपने एड्रेस वगैरह की वही इन्फॉर्मेशन आपने कैनेडा में दी हो ताकि इन्फॉर्मेशन सेम हो। और हाँ, और एक चीज़ और है कि आप जब यहाँ से पैसे भिजवाते हो जिस पाकिस्तान से या इंडिया से तो यहाँ पे भी जो अकाउंट है वो आपके नाम का ही होना चाहिए जिससे आप पैसे बाहर ट्रांसफ़र करोगे। और जो नेक्स्ट कंट्री में खुलेगा वो तो डेफिनेटली आपके नाम से ही अकाउंट ओपन होगा, लेकिन जो प्रीवियस कंट्री जो आप जहाँ से आप पैसे भेज रहे हो वो इम्पोर्टेंट है कि वो अकाउंट भी आपके नेम से ही होना चाहिए और प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, सेम इन्फॉर्मेशन उधर हो दी हुई और सेम इन्फॉर्मेशन आपके इस बैंक में भी होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो आपको कंसीडर करनी चाहिए जब आप GIC अकाउंट ओपन करवाते हो। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।